जय श्री कृष्णा मित्रों, जय मां समसन कली। कैसे हो आप? आशा करता हूँ बेहतर होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ अघोरी वशीकरण के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ। यदि आप सुनते हैं अघोरी का नाम तो आपके मन में भय पैदा होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आज का समय ऐसा है, लोग अघोरी के नाम से डरते हैं। लेकिन असलियत में आप अघोरी के बारे में 1% भी नहीं जानते हैं। आजकल कोई भक्त लोग भी हो गए, चाहे कोई साधक भी हो गया, वो अपने नाम के पीछे या अपने आप को अघोरी बोलने लग जाता है। लेकिन असलियत में अघोरी होते कौन है? क्या अघोरी पैसे लेते हैं? क्या अघोरी आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे? क्या अघोरी का रहस्य है? इसके विषय के ऊपर भी मैं आपके समक्ष वीडियो लेके आऊंगा। और मैं अपनी हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आने वाली वीडियो में आपको ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी जो YouTube पर या कहीं पर भी आपको ये जानकारी उपलब्ध नहीं होगी, ये मैं दावे से बोलता हूँ। आज के समय में हर कोई पैसे कमाने के चक्कर में लगा हुआ है। पैसा इंसान कमाए जरूर, लेकिन जो उसकी मेहनत है उसी के अनुसार। किसी को दुख देकर, किसी की भावनाओं के साथ खेलकर और किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर जो धन कमाया जाता है वो किसी को भी फलीभूत नहीं होता, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन आज का समय ऐसा है, लोकतंत्र के नाम पे जिसने आज तक एक माला भी नहीं पकड़ी, जिसने आज तक अपने देवी या देवता की पूजा पाठ भी नहीं करी, वो अपने नाम के पीछे अघोरी तांत्रिक लगा देता है। ये उपाय जो मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ, मैंने किसी सिद्ध अघोरी से प्राप्त किया है। यदि आप कोई सिद्ध अघोरी से कोई भी विधि विधान प्राप्त करते हैं तो उसमें बहुत सी मेहनतें लगती है। ये मेहनतें मुझे पता है, किस तरह की मैंने मेहनत करी है ये विधि विधान प्राप्त करने के लिए। यदि आप चाहते हैं कि कोई भी इंसान आपको पैसे देकर कोई विद्या दे दे या पैसे देकर कोई विधि विधान दे दे, तो ऐसा संभव नहीं होता। ऐसा सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है कि आपके पास पैसा है, हजारों लाखों रुपए हैं और आप कुछ भी प्राप्त कर लें जो कि फलीभूत हो, ऐसा नहीं होता। क्योंकि सिद्ध जो अघोरी होते हैं वो आपको देखते ही पता लगा लेते हैं कि आपका मकसद क्या है, किस भावना से आप उनके पास आए हैं। लेकिन आज के समय में ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा आपको। लेकिन इस विषय के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जैसा मैंने आपको बताया अघोरी के रहस्यों के बारे में कि असली अघोरी की पहचान कैसे होती है और नकली अघोरी की पहचान कैसे होती है। अब मैं आपको उपाय के बारे में जानकारी दे देता हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को समझिएगा, उसके बाद ये उपाय का आप सहारा लीजिएगा। सब प्रथम आप मंत्र सुने। मंत्र इस प्रकार है, ओम हस्य श्री सूरी मंत्र स्वार्थ वर्ण नाम ऋषि इति शपाश स्वाहा। मंत्र में जहाँ पे मैंने नाम का उच्चारण किया है उस स्थान पे आपको जिसको अपने वश में करना है उसका नाम जाप करना है, चाहे वो आपका प्रेमी हो या प्रेमिका हो या किसी भी इंसान के ऊपर आप वशीकरण करने जा रहे हैं, कर सकते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन वीडियो को पूरा दिखेगा जब आपको समझ में आएगा। और इस उपाय में ना ही आपको उस इंसान का फोटो चाहिए, ना ही उसको कुछ खिलाना पिलाना है और ना ही आपको इस उपाय में शमशान जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। समय की कोई पाबंदी नहीं है। अब आप विधि विधान सुनिए। आपको इस उपाय को किसी शुभ दिन पे आरंभ करना है, जैसे कि होली, दीपावली, दशहरा या किसी भी महीने की अमावस्या या कोई भी शुभ दिन हो, कोई ग्रहण काल हो, या आप उपाय शुरू कीजिएगा। आप कोई भी एक समय लीजिएगा, चाहे वो दिन का हो, चाहे शाम का हो, चाहे रात का हो, चाहे वो सुबह का हो। आपको इस मंत्र का रोजाना 45 मिनट जाप करना है बिना माला के। सिर्फ आपको आसन लेना है और अपने समक्ष आपको धूप बत्ती और एक चमेली के तेल का सिर्फ दीपक जलाना है। आपको 45 मिनट रोजाना इस मंत्र का जाप करना है और एक समय आप निश्चित करिएगा पूरा। और आपको रोजाना एक गिलास जल लेना है और अपने आसपास कोई नीम का पेड़ हो वहाँ पे जाना है और ये जल चढ़ाना है नीम के पेड़ के ऊपर। ऐसा आपको 21 दिन करना है लगातार। और अंतिम दिन पर आपको एक नारियल लेना है, 2 पीस मिठाई के लेने हैं और आपको वो रख के आना है वहाँ पर। विधि विधान सिर्फ इतना सा ही है और आपको ये असर जो मिलेगा उपाय का, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब आपको गुप्त बातें ये बता देता हूँ मैं उपाय में। यदि आपके इष्ट मजबूत हैं, कुल देवी देवता मजबूत हैं और पितर आपकी सहायता करते हैं, तो आप अपने कुल देवी देवताओं से, पितरों से और इष्ट से
आज्ञा लेकर ये उपाय करें, जब ही आपको इस उपाय में सफलता मिलेगी। और यदि आप चाहते हैं इससे भी आसान मैं आपके समक्ष उपाय लेके आऊं वशीकरण का, या आप चाहते हैं किसी अन्य विषय के ऊपर भी वीडियो या कोई जानकारी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और तंत्र मंत्र यंत्र वशीकरण काले जादू की सही जानकारी के लिए और ढोंगी पाखंडी लोगों से बचने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय मां शमशान काली।